नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। अपना नाम उदित तारण है। बिहार सरकार की फ्लैगशिप योजना यानी हर घर नल का जल, ये ड्रीम प्रोजेक्ट है नीतीश कुमार की। नल जल योजना के बारे में अब सभी जानते हैं, कई घोटाले इसमें सामने आ चुके हैं, लेकिन जो ताजा खबर आ रही है, जो जिसको आप ब्रेकिंग भी कह सकते हैं, वो ये है कि कटिहार जिले में 53 करोड़ रुपए का टेंडर निकला था। उस टेंडर को बिहार के डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने अपने सगे संबंधी, अपने परिवार में उस टेंडर को दे दिया। यानी कि उस टेंडर से जो कमाई होगी, जो लाभ आएगा, वो तारकिशोर प्रसाद के परिवार, जो सगे संबंधी है, उन्हें ही मिलेगा। अब यह मामला जो है वो बिहार में तूल पकड़ते जा रहा है, लगातार इस पर बयानबाजी चल रही है। बात करें नेता प्रतिपक्ष की, तो उन्होंने इस मामले को गंभीर बताया है और कहा है कि इस पर जांच होनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने नीतीश कुमार के ऊपर भी सवाल खड़ा किया है। सुनिए पहले कि तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं। विधायक रहते हुए भी काम दिया गया भाई, तो हम सारी चीज जो है वो लाएंगे पेश करेंगे। मांझी जी ने कहा कि श्री राम जो थे ही नहीं, उनका कोई अस्तित्व नहीं। ऊपर सवाल कर दिया गया। देखिए, अब इस पे हमको कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। हमारे लिए ये कोई विषय नहीं है। हमारे लिए विषय है जो जनता का मुद्दा है, जिससे बिहार की भलाई हो सकती है, तरक्की हो सकती है, उस पे है। अब बताइए, सरकारी खजाने का जो है क्या दुरुपयोग किया जा रहा है, भ्रष्टाचार किया जा रहा है, इस पे लोगों को बताना चाहिए भाई क्या मामला है पूरी तरीके से। लेकिन लोगों को भी भरोसा नहीं रह गया इस मौजूदा सरकार से। क्या हमने बोला ही ना भाई, नीतीश कुमार जी के बस की बात ही नहीं है, सृजन का फाइल खुलवाना है क्या उनको? तो आपने नेता प्रतिपक्ष को सुन लिया। अब इस पर बीजेपी जो है, यानी जो बिहार बीजेपी है, वो अपने नेता तारकिशोर प्रसाद और बिहार के डिप्टी सीएम के बचाव में आगे आ रही है। बात करें प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल की या फिर मंत्री सम्राट चौधरी की, तो इनका कहना है कि साल 2019 में 1,87,00,000 रुपए का कोई टेंडर था, जो तारकिशोर प्रसाद ने अपने बेटे को दिया था, जिसे में वो विधायक हुआ करते थे। सुनिए बीजेपी के दो लीडर, दो नेता क्या कहते हैं इस मामले पर। 1,87,00,000 का मिला है टेंडर उनके बेटे को, यह मिला है 2019 फरवरी में, और यह चुनाव से पहले ही वह काम भी उसने पूरा कर दिया था। तो यह सही है कि एक विधायक के बेटे ने 1,87,00,000 का कार्य कराया है और चुनाव से पहले सारा कार्य उसका समाप्त हो गया था, इसलिए इसमें दूसरा कोई करने की जरूरत नहीं है। 2019 के पहले जो 1,87,00,000 का काम उनके बेटे को मिला था, वो काम पूर्ण कर लिया गया, वो पीएसडी डिपार्टमेंट के द्वारा था। नल जल योजना में जो टेंडर होता है, टेंडर की प्रक्रिया में जिन लोगों के द्वारा टेंडर में टेक्निकल और फाइनेंशियल बीड में लोएस्ट पाए जाते हैं, उन्हीं को काम दिया जाता है। तो आपने सुना, अब ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिरकार तारकिशोर प्रसाद ने 53 करोड़, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है, एक बहुत बड़ी रकम है, इसका टेंडर सीधे अपने परिवार को कैसे दे दिया। साथ ही साथ इसमें अब विपक्ष की ये मांग आ रही है कि नीतीश कुमार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि ये सीधे तरीके से परिवारवाद की राजनीति को दर्शाता है। हालांकि परिवारवाद की राजनीति तेजस्वी यादव क्या करेंगे, जो खुद उसी राजनीति की उपज हैं, उनके पिता उनकी माता दोनों लोग सीएम रहे हैं बिहार के, और बिहार में जो तमाम ऐसे नेता हैं जो अपने परिवार में ही सारा लाभ देना चाहते हैं, और सिर्फ बिहार ही नहीं, उत्तर प्रदेश आप चले जाइए, मुलायम सिंह यादव के परिवार में दूर दूर का जो रिलेशन है, वे सभी वार्ड पंचायत से लेकर मुख्यमंत्री तक बन चुके हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए द इंडिया टॉप के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ ये वीडियो अगर हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे पेज को लाइक फॉलो करें। धन्यवाद।